Hi everyone. Today we have discussed our constitution, the continuing part of it. Okay. Now in the last video, we have always discussed some of the points, and that's where about to be the preamble, sources of constitutions, nature of state, and the objectives of the constitutions. Now the point which today we have discussed, that is the features of our constitutions. Okay, what is this? That is the features of our constitutions. So in this point, first of all, we have discussed here about to be the federal system. What is this? About to be the federal system. Okay, listen very carefully here. That we know that very well, the Indian Constitution has provided for a federal form of the government. अब हम लोग ये चीज तो जानते हैं बढ़िया से कि हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको फेडरल सिस्टम यानी कि फेडरल गवर्नमेंट जो है ना वो एक तरह से यहां पर प्रोवाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. अब बात आती है ये फेडरल गवर्नमेंट होता क्या, ये चीज भी जानना आपके लिए जरूरी है, हमारे सभी के लिए जरूरी है. ये फेडरल गवर्नमेंट का मतलब भी होता है एक तरह से कि देयर आर टू सेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. यहां पर में आपका क्या होगा, टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट होगा. और वो टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, तो नंबर वन में अगर हम लोग देखें यहां पे द यूनियन गवर्नमेंट एंड द सेकेंड वन इज द स्टेट गवर्नमेंट. ये इसमें आपका यूनियन गवर्नमेंट जिसको हम लोग कह सकते हैं एक तरह से गवर्नमेंट, और दूसरा जो है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट के रूप में हम लोग इसको जानते हैं. ये फेडरल गवर्नमेंट हम लोग एक तरह से इसको कह सकते हैं. अब इसमें भी बात आती है कि ये यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो ये यूनियन गवर्नमेंट आपका वर्क करता है सेंट्रल के ऊपर में, जहां पे हम लोग का सेंट्रल यानी कि पूरा जो सेंट्रल है वहां से, और स्टेट गवर्नमेंट का वर्क होता है आपका हर स्टेट में. ये चीज भी आपको याद रखना एक तरह से जरूरी है, तो इस पॉइंट में भी हम लोग आएंगे बाद में. तो फेडरल गवर्नमेंट में खास करके अगर हम लोग देखें तो दे आर द टू सेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. नाउ कम टू बी द पॉइंट. सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्निंग अवर कंट्री हैज बीन द डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे यहां पर में ना, खास करके हम लोग जो देखते हैं गवर्नमेंट का अपने कंट्री में, वो डिवाइड कर दिया गया आपका एक सेंटर में भी और दूसरा स्टेट में भी. एंड द मोस्ट लॉस मेड बाय द सेंटर आर द अप्लाइड थ्रू आउट द कंट्री. और जो लॉ खास करके यहां पर में बनाया जाता है ना, वो सारा के सारा लॉ जितने होते हैं ना, वो अप्लाई किया जाता है अपने कंट्री में. ये सारा का सारा लॉ जो अप्लाई किया जाता है अपने कंट्री के ऊपर में. सो लॉज मेड बाय स्टेट आर द अप्लाई विद इन द स्टेट. लेकिन जो लॉ खास करके स्टेट के द्वारा बनाया जाएगा वो लॉ यानी कि कानून जो है वो सिर्फ स्टेट तक में ही आपका सीमित रहेगा. तो मैंने क्या कहा कि सेंट्रल का जो लॉ बनता है वो पूरे कंट्री में एक तरह से बनाया जाता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट अपना लॉ बनाती है ना, वो खास के लॉ कहां पर में चलता है, तो उस स्टेट के अंदर में चलता है. तो ये आपका फेडरल सिस्टम है. इसमें से भी अगर हम लोग कुछ पॉइंट्स के ऊपर और ध्यान दें तो देखते हैं क्या चीज कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया डज नॉट यूज इन द टर्म ऑफ द फेडरल. कहते हैं कि अपने यहां जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें फेडरल शब्द का यूज नहीं होता. ये जो फेडरल हमने लिखा है इस फेडरल शब्द का यूज नहीं होता है, बट इंस्टेड ऑफ इट यूजेस द यूनियन ऑफ द स्टेट. और इसके जगह हमें जो है ना वो खासकर हम लोग जो यूज करते हैं वो यूनियन ऑफ स्टेट के नाम से इसको एक तरह से यूज किया जाता है. ये चीज भी एक तरह से ध्यान देने वाली बात है और समझने वाली भी बात हम लोग के लिए है. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली दे मेंशन द सब्जेक्ट ऑन विच द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन द वर्क. अब वहां पर में एक तरह से क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ना आपका उस तरह से खास करके जो भी मेंशन रहता है सब्जेक्ट वगैरह वो सेंटर पर में भी रहेगा और स्टेट गवर्नमेंट के मतलब तहत भी उसको काम किया जाता है. इतना सरल का सरल चीज ये लोग हम लोग जानते हैं. सो दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट. और इसी चीज को एक तरह से कहा जाता है पावर किस किस के बीच में, एक तरह से सेंट्रल के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट में. तो ये पहला पॉइंट हम लोग का था, फर्स्ट पॉइंट वो था फेडरल सिस्टम. किस तरह से फेडरल सिस्टम को हम लोगों ने देखा कि यहां पर में यूनियन गवर्नमेंट में भी ये डिवाइड होता है, स्टेट गवर्नमेंट में भी डिवाइड होता है, और किस तरह से फेडरल वर्क के जगह हम लोग यूनियन ऑफ स्टेट का यूज करते हैं, और स्टेट जो अपना लॉ बनाती है वो अपना स्टेट के अंदर में चलता है, और जो सेंट्रल अपना लॉ बनाएगा पूरे कंट्री के अंदर में चलता है. तो इतना का सारा पॉइंट आपका फेडरल सिस्टम में. अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग करने जा रहे हैं दैट इज द
पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब जो नेक्स्ट पॉइंट होगा हम लोग का वह है पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम। सो दैट इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ इट, पार्लियामेंट्री सिस्टम। नाउ व्हाट्स हैपेंड इन दिस सिस्टम, तो बेसिकली वी नो दैट द कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोवाइडेड फॉर द पार्लियामेंट्री सिस्टम द गवर्नमेंट बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट। अब हम लोग ये चीज जानते हैं कि खास करके अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में जो पॉइंट हमने यहां पर में डिस्कस किया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहां पे, तो सेंटर में भी और खास करके स्टेट में भी। नाउ द पार्लियामेंट इज डिवाइडेड बिटवीन द टू हाउसेस, कहते हैं कि पार्लियामेंट को ना एक तरह से यहां पर हम लोग देखें तो टू हाउसेस में इसको डिवाइड किया जाता है। टू हाउसेस में इसको क्या किया जाएगा, पार्लियामेंट में एक तरह से इसको डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हाउसेस ऑफ द पीपल एंड द काउंसिल ऑफ द स्टेट। सबसे पहले हम लोग आते हैं हाउसेस ऑफ द पीपल एंड सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट द हाउसेस ऑफ द पीपल एंड द सेकेंड पॉइंट इज द काउंसिल ऑफ द स्टेट। द काउंसिल, काउंसिल ऑफ द स्टेट, तो ये दो हाउसेस में इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। अब हम लोग इसमें और थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस करते हैं, ये हाउसेस ऑफ द पीपल के बारे में जानते हैं और काउंसिल ऑफ द स्टेट के बारे में जानते हैं। तो एज सच एज द प्रेसिडेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर द नॉमिनल हेड्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव। कहते हैं कि यहां पर में क्या होता है ना कि जब आप पार्लियामेंट्री सिस्टम में जाते हो ना, तो खास करके वहां पर हम देखोगे कि जो नॉमिनल हेड जिसको हम लोग कहते हैं ना, वो स्टेट गवर्नमेंट में खास करके जो होता है ना वो प्रेसिडेंट कहलाता है, और नॉमिनल हेड जो होता है वो एग्जीक्यूटिव स्टेट गवर्नमेंट में होता है। तो इस तरह से आपको पॉइंट समझना है, एंड द रियल पावर जो है वो बी स्टेट होता है, काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स के हाथ में। इतना सारा का सारा पॉइंट हम लोग को यहां से समझना है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच वॉज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर और एट द सेंटर एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। अब उसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो वहां पर में स्टेट में आपका चीफ मिनिस्टर होगा और सेंटर में आपका हेड कौन होंगे, तो प्राइम मिनिस्टर इसके अंदर में आता है, ठीक है। सो देयर बिलोंगिंग टू बी द मेजोरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। और ये दोनों के दोनों ही, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो आपका चीफ मिनिस्टर हो, ये लोग ना एक तरह से बिलोंगिंग करता है किसे, तो जो पार्टी आपकी मेजोरिटी में आती है उसमें। अब आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम लोग एक तरह से ना भारत सरकार के नाम से जानते हैं। अब वो पार्टी खास करके जिसके पास में मेजोरिटी ज्यादा रहती है वो लोग क्या करते हैं, तो सेंटर में गवर्नमेंट में आता। तो उसी तरह से स्टेट में भी जिस भी पार्टी के पास में मेजोरिटी ज्यादा रहेगी वहां पे गवर्नमेंट उन्हीं का बनता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको ये पॉइंट खास करके दिया गया है। एंड द लास्ट पॉइंट इन दिस, बेसिकली वी हैव डिस्कस हियर द गवर्नमेंट एट द सेंटर इज द आंसरेबल टू बी द पार्लियामेंट। कहते हैं कि जो जो खास करके यहां पर में गवर्नमेंट होती है ना सेंटर का, वो आपका आंसरेबल होता है पार्लियामेंट का, एंड द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज आंसरेबल टू बी द स्टेट लेजिस्लेचर। और जो गवर्नमेंट होती है स्टेट लेवल पर में, वो स्टेट लेजिस्लेचर में इस चीज का वो आंसरेबल होता है, मतलब हर चीज का जवाब उनको देना पड़ता है। तो हम लोगों ने यहां पर में एक चीज देखा, सेंटर के ऊपर में किसको जवाब देना पड़ेगा, वो है आपका प्राइम मिनिस्टर्स, और जब स्टेट की बात आएगी तो स्टेट में आंसरेबल किसको देना रहता है, वह है आपका चीफ मिनिस्टर। तो इतना का इतना सारा पॉइंट्स हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम में पढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, पॉइंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ वी नो दैट वेरी वेल दे आर द मेन थ्री ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। हम लोग जानते हैं एक तरह से कि अपने गवर्नमेंट के पास में मेन थ्री ब्रांचेस है, और वो मेन थ्री ब्रांचेस क्या क्या है, सबसे पहले हम लोग यहां पर में डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर वन में। पॉइंट नंबर वन में आएगा आपका द लेजिस्लेचर। द पॉइंट नंबर वन में मैंने क्या कहा, द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, ओके, ब्रांच। ये पॉइंट नंबर आप लोग वन में दे सकते हो लेजिस्लेचर ब्रांच का। सेकेंड में आपका आता है द एग्जीक्यूटिव, द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। एक एक करके ब्रांच के बारे में हम लोग डिस्कस भी करेंगे और समझेंगे भी। और जो थर्ड है हम लोग का वो है आपका द जुडिशियल, द जुडिशियल। कहते हैं कि ये तीनों ब्रांच के ऊपर में ही सारी की सारी जो है ना अपनी कॉन्स्टिट्यूशंस वो डिपेंड करती है। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले द लेजिस्लेचर, या लेजिस्लेचर को या फिर लेजिस्लेटिव कह सकते हैं हम लोग उसको, लेजिस्लेटिव ब्रांच कह सकते हैं। सेकेंड में हमारा एग्जीक्यूटिव ब्रांच दिया गया है,
और थर्ड में हम लोग का जुडिशियल ब्रांच दिया गया है। अब हम लोग आते हैं एक एक करके ब्रांच के बारे में डिस्कस करने के लिए। सबसे पहला जो ब्रांच हम लोग का है वह है हम लोग का लेजिस्लेटिव ब्रांच। अब इस लेजिस्लेटिव ब्रांच में क्या होता है, ध्यान से हमें इस पॉइंट को समझना भी है। द लेजिस्लेटिव ब्रांच इंक्लूड द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द वेरियस स्टेट। इसमें आपका इंक्लूड है क्या क्या इंक्लूड है खास करके, तो इसमें जब हम लोग देखते हैं ना, तो जो पॉइंट हमने कहा यहां पे कि ये पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर से इंक्लूड रहता है, एंड द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द वेरियस स्टेट एंड द लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ ऑफ द कंट्री। इसमें क्या होती है ना, आपका लॉ वगैरह बनता है, लॉ मेकिंग होती है इसमें कंट्री के लिए। यहां पे क्या किया जाता है, लॉ बनाया जाता है। तो लेजिस्लेटिव ब्रांच में मैंने क्या, लेजिस्लेटिव ब्रांच में मैंने क्या कहा आपको कि खास करके ये पॉइंट याद रखना है कि दैट इंक्लूड द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द वेरियस स्टेट एंड द लेजिस्लेचर्स मेक द लॉ ऑफ द कंट्री। और इस लेजिस्लेटिव में क्या होती है खास करके, तो जो लॉ होती है ना कंट्री का, उस लॉ को यहां पर में एक तरह से बनाया जाता है, यह लॉ मेकिंग के रूप में जाना जाएगा। लॉ यहां पर में आपका बन गया। देखिए पूरा का पूरा जो संघीय ढांचा यानी कि हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे एक दूसरे के ऊपर में डिपेंड रहता है। तो लेजिस्लेटिव में आपने क्या देखा, यहां पर में कंट्री के लिए लॉ बनाया गया। नाउ सेकेंड पॉइंट, जो पॉइंट हम लोग के पास में है वो है आपका एग्जीक्यूटिव ब्रांच का। लॉ तो हम लोगों ने बना लिया, अब एग्जीक्यूटिव ब्रांच में क्या होगा, द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इंक्लूड द प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट द प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड सो ऑन। इसमें आपका प्रेसिडेंट से लेके वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये सभी के सभी इस एग्जीक्यूटिव ब्रांच में जो है वो इंक्लूड रहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एंड द एग्जीक्यूटिव कैरीज और द डिसीजन मेड बाय द लेजिस्लेटर। और अगर देखिए लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी खास करके डिसीजन होता है ना, उस डिसीजन को ये क्या करता है, एक तरह से कैरी करता है। ये सारे के सारे डिसीजन को क्या करता है, जो इसके द्वारा खास करके लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी बनाया जाएगा उसको वो एक तरह से कैरी करके आगे बढ़ाता है। तो एग्जीक्यूटिव के अंदर में आपका ये सारे के सारे पर्सन जो थे वो सब आए थे। कौन कौन था इसमें, तो प्रेसिडेंट था, वाइस प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सब इसी के अंदर में आपका जुड़ा हुआ था। अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट जिसको एक तरह से जुडिशियल ब्रांच कहा जाता है, क्या ब्रांच बोलेंगे इसको हम लोग, जुडिशियल ब्रांच के रूप में। अब जुडिशियल ब्रांच में क्या होगा ये चीज भी अब जानना जरूरी है, क्योंकि ये मेन ब्रांच हम लोग का माना जाता है। एंड दिस कंसिस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कहते हैं कि इसके अंदर में आपका सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, ठीक है। इसमें हमने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर में आपका रहेगा, हाई कोर्ट होगी, इसके बाद में लोअर कोर्ट होते हैं, जुडिशरी प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द सिटीजन्स। तो सिस्टम हो गया आपका इसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक, और हाई कोर्ट से लेकर के इसके अंदर में आपका लोअर कोर्ट तक रहता है, और फिर इसके बाद में जो जुडिशियरी होता है ये प्रोटेक्ट करता है आपका जो राइट्स ऑफ द सिटीजन, खास करके हमारी जो राइट होती है ना, इस चीज को इसमें प्रोटेक्ट किया जाता है। अब कहने के लिए हम लोग भी बोलते हैं कि मान लिया किसी भी तरह से अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम वगैरह आती है तो सबसे पहले हम लोग लोअर लेवल जो कोर्ट होता है वहां पर जाते हैं, जिसको लोअर कोर्ट कहा जाता है। वहां लोअर कोर्ट में अगर मान लिया उस चीज की सुनवाई होती है और उस डिसीजन से अगर हम सेटिस्फाइड नहीं हुए, यानी कि कोई भी पर्सन जो भी होगा वो अगर उस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होता है तो लोअर कोर्ट से वो ऊपर चला जाता है हाई कोर्ट के ऊपर में, वहां भी वो अपना क्या कर सकता है, इस चीज को लागू कर सकता है, वहां पर अपने जो भी प्रॉब्लम रहता है उस चीज को वहां पर लेके जाया जा सकता है। वहां भी अगर उसकी सुनवाई नहीं होती है ना तो बाद में वो सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन वगैरह लेते हैं वो लास्ट डिसीजन होता है, उसके आगे और कोई कोर्ट ही नहीं अपनी कंट्री में। मतलब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वो चाहे आपके लिए सही हो या फिर आपके विरुद्ध हो, जो भी वो डिसीजन आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक सारे के सारे जितने भी मतलब वहां पर में ये सारे रहते हैं, मतलब एग्रीमेंट वगैरह रहते हैं, कोई भी जो भी सारे के सारे जो डिसीजन वगैरह लिया जाता है इन लोगों से हाई कोर्ट के द्वारा या लोअर कोर्ट के द्वारा, सारे डिसीजन को लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में समझते हैं, फिर जाकर के आपको क्या है कि वहां पर मैं आपको एक तरह से वो डिसीजन देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हम लोग जानते हैं कि सबसे हाई रहता है, सबसे सुप्रीम होता है, और वहां से जो डिसीजन होता है उसी चीज को माना जाता है। तो जुडिशियल ब्रांच के अंदर में ये सारे के सारे चीज आते हैं। इस तरह से ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हम लोग का यहां पर कंप्लीट। द नेक्स्ट पॉइंट विच वी हैव डिस्कस हियर About to be the independent judiciary. अब हम लोग जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं यहां पर में, वो हमारा है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी के बारे में। अब ये इंडिपेंडेंट जुडिशियरी,
तो अवर कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कहते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो एक तरह से एस्टैब्लिश किया है किस चीज को, तो जो हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है इस चीज को. Now, the judiciary can be the declare a law unconstitutional if it is against, कहते कि ये judiciary एक तरह से ना law को ना unconstitutional भी कर सकती है. कब? जब उसके खिलाफ, किसके खिलाफ होगा, तो वो point मैंने यहाँ पर लिखा है the fundamental rights granted by the constitution. मतलब क्या हो गया कि जो fundamental rights आपको granted की गई है constitution के द्वारा, इसके against अगर कोई भी ऐसा सिस्टम हो जाता है तो वहां पर में जुडिशरी क्या करती है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करती है. और सेकेंड पॉइंट मैंने इसमें कहा है एनी कंपल्सरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, अगर इसके अगेंस्ट मतलब किसी भी कंपल्सरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस के अगेंस्ट में अगर कोई बात आती है ना तो वहां भी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है. तो ये दो पॉइंट से हम लोग को समझ में आ जाता है कि आखिर किस तरह से ये अगेंस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है. अब आते हैं कुछ हमारे पास में सम ऑफ द प्रोविजन, जो प्रोविजन मैंने यहां पर डिस्कस किया था वही कुछ प्रोविजन हमारे पास में है दैट हैव बीन मेड टू मेक द जुडिशियरी इंडिपेंडेंट, जिससे क्या है कि ये एक तरह से जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट बनाता है. तो पॉइंट भी मेरा वही था जुडिशियरी किस तरह से इंडिपेंडेंट होता है. तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा को ध्यान से सुनना है और समझना है, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन आर लेड डाउन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, कहते हैं कि एक तरह से इस प्रोविजन में क्या है कि स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन दी गई है किसके लिए, तो जो भी अपॉइंटमेंट होता है जजेस उनके लिए. सेकेंड पॉइंट, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, खास करके जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा या एंड द हाई कोर्ट, यानी कि जो जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट का, आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब इनको अपॉइंट करने वाले कौन होते हैं, हमारे देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं राष्ट्रपति होते हैं, वही इन जजेस को यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और हाई कोर्ट के जजेस को एक तरह से वो क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं. ये पॉइंट नंबर हमारा कितना था, 2 नंबर का. अब हम लोग आते हैं 3 नंबर पॉइंट में, द चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया हैज टू बी कंसल्टेड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, कहते कि जो चीफ जस्टिस होती है ना इंडिया का वो एक तरह से कंसल्ट किया जाता है इस अपॉइंटमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट के थ्रू और हाई कोर्ट के थ्रू. अब हम लोग आते हैं नंबर 4 में, इसमें दिया गया है कि द जजेस कैन बी रिमूव्ड. अब जो जज को एक तरह से यहां पर में अपॉइंट किया गया इनको एक तरह से रिमूव भी किया जा सकता है, द जजेस कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ओनली इफ इट इज अप्रूव्ड बाय द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, अगर उसको दोनों हाउसेस जो हम लोग का पार्लियामेंट का होता है ना बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट से इसको अगर अप्रूव कर दिया जाता है तो जजेस को वहां से हम लोग क्या कर सकते, वहां से क्या किया जा सकता है, उनको रिमूव किया जाता है. तो ये कुछ प्रोविजन वगैरह यहां पर मैं आपका दिया हुआ था जिसके थ्रू एक तरह से ये मतलब बताया जा सकता है कि अपनी जो जुडिशियरी है वो एक तरह से इंडिपेंडेंट किस तरह से बनती है. ओके, दैट्स ऑल.